हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम करिश्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सारे अच्छे हो, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो साथ साथ। और इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? आई नो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का, और सो आई एम बैक विद द वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन लोगों का SBI PO का इंटरव्यू है, IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लोग, और बाकी 2020 में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं और जिनके इंटरव्यूज होने वाले हैं, ये उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री सोर्सेज जिनसे आप अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, और मैं अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस जो इंटरव्यूज में हुए हैं वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। कुछ मेरे फ्रेंड्स जिनका IBPS PO या SBI PO में सिलेक्शन हुआ है पिछली बार या उससे पहले, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन लोगों से मैंने बात की है, और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ जो इंटरव्यूअर होता है उसके माइंडसेट को थोड़ा समझने की कोशिश की है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है कि क्या हम लोगों को इंटरव्यू में पढ़ना है और किस तरह से शुरुआत करनी है। एक्चुअली 2-3 दिन किस तरह से अपना बेस अपना स्ट्रांग करना है, थोड़ी सी चीज़ों से अवेयर होना है, ये सब चीज़ें हम स्टार्टिंग में पहले करेंगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे मैं वीडियो में बताती रहूँगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। अब बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पूरा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं वही हमें पता है, हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेंगे, ठीक है, हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ लेंगे, हम थोड़ा सा यू नो फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लेंगे, हल्का फुल्का सा चीज़ें कुछ पढ़ लेंगे, और यही 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ स्कीम्स पढ़ लेंगे गवर्नमेंट एंड वी आर डन। हाँ, इतना बहुत है, बाकी हम अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे और बाकी और बतेरी इधर उधर की चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें हम बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़ेंगे। बट इज़ इट रियली लाइक इनफ? इनफ तो कभी भी कुछ नहीं होता है, आप कितना भी पढ़ लेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो इट विल नेवर बी इनफ। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने से ना आपकी खुद की पर्सनालिटी में एक बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इन इंटरव्यू, आपको एक एज मिलती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब एक टॉपिक्स को सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं तो आप आसपास की चीज़ों से अवेयर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़कर जा रहे हैं एग्जामिनर जो है वो आपसे वही सेम चीज़ पूछ लेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। वो मान लीजिए कुछ और आपसे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ पूछ ली, घुमा के पूछ ली, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप इजीली उसको आंसर कर पाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को भी बहुत सीधे तरीके से टैकल कर पाएंगे। और यही हम इंटरव्यू में करना होता है, हमें स्मार्टली चीज़ें टैकल करनी होती हैं इवन इफ वी डोंट नो दैम, ठीक है। तो सबसे पहले करना है हमें फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये हम कहाँ से करें, बेस्ट सोर्स क्या होगा इसके लिए, तो आई वुड सजेस्ट कपिल काटपाल सर के फ्री वीडियोस हैं स्टडी नीति चैनल के ऊपर, उनका पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस एज वेल एज बैंकिंग अवेयरनेस के दोनों आपको मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स उनका फ्री में, वो ज़रूर करिए। सबसे पहले आप वो कर लीजिए, और ये एक दिन का काम है, 2x में अगर आप पूरे दिन घर पर रहते हैं, फ्री हैं, अगर जॉब नहीं करते हैं तो एक दिन का काम है, वरना 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में आप ये कर लेंगे। अगला आप करेंगे अनिल अग्रवाल सर की जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में वो समझाते हैं और बहुत अच्छा आपको समझाते हैं, तो बहुत छोटे छोटे छोटी वीडियोज़ उनकी मिलेंगी, ऐसा लगता है आप कम से कम 15-20 वीडियोस देख लेंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मतलब आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, और बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं, छोटे छोटे ड्यूरेशन की वीडियोस होती हैं, तो आप वो वाली वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मैंने डिस्कवर किया है, जो कि है आप एक यूट्यूब चैनल है, मृणाल पटेल नाम है, आई एम सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली, लेकिन यही शायद उनका नाम है, मृणाल पटेल फैकल्टी हैं वो, और वो UPSC के लिए ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन UPSC में जो एक बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन आता है, थोड़ा इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, तो उसमें उन्होंने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कवर की हुई है, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं ना, लाइक लिटरली ट्रस्ट मी यू लव हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। वो 7 साल पहले की वीडियो है एंड इट्स स्टिल सो रिलेटेबल, यू नो, और इतना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके सामने एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं, ही इज़ अ जीनियस, और आप ज़रूर देखिए उनकी वीडियो। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर
जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी वो, तो आप बिल्कुल भूलेगा मत टेलीग्राम ज्वाइन करना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मेरे जो चैनल का मोटिव है ना, वो ऐसे बहुत और चैनल्स होंगे जो आपको बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, जो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मेरा मोटिव जब मैंने शुरू किया था, मेरा मोटिव ये था कि कोई भी ऐसा इंसान है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो हमारे एग्जाम के अराउंड होता है, उसको ये ना लगे कि यार मेरा ना बैंकिंग में कोई है नहीं, मतलब आई एम अलोन इन दिस जर्नी, मुझे कोई डाउट है मैं किसी से पूछ नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं अपनी सोल्यूशंस नहीं मांग सकता किसी से। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट ऐसा ना फील करे कि उसके पास कोई उसका फ्रेंड, कोई उसके बड़ी भाई या फिर बड़े बहन या कोई ऐसा है नहीं जो उससे बात कर सके या उसको सुझाव दे सके, उसको सजेशंस दे सके, उसको उसके पाथ में डायरेक्ट कर सके। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना किसी भी चीज़ में, आपको इंटरव्यू में कोई परेशानी आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है? जाओ ग्रुप पे मैसेज करो एंड आई रिप्लाई टू एवरी वन। जो लोग अभी होंगे ग्रुप में, अराउंड 400 लोग हैं शायद प्लस, तो वो लोग बताएंगे कि, और जो लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, आई आस्क देम कि आपको क्या परेशानी है, मुझे वो स्पेसिफिक परेशानी बताओ, उसके हिसाब से मैं आंसर कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 500 लोग एक ही बार में मुझे मैसेज कर दे तो ऑफकोर्स आई वोंट बी एबल टू हेल्प। जो जेन्युइन परेशानी होगी मैं उसी को बताऊंगी। बट यही मेरा मोटिव है कि कोई भी ऐसा ना फील करे कि वो अलोन है अपनी जर्नी में, या उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, या वो नया नया आया है तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाए, उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई उसको सजेशन देने के लिए नहीं है, ठीक है? तो चलो कमिंग बैक टू आर टॉपिक, तो आप ये पढ़ लेंगे, आपके क्या क्या पढ़ेंगे, कपिल काटपाल सर को देखेंगे उनके चैनल पर, अनिल अग्रवाल सर को देखेंगे और मृणाल पटेल सर को देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने आज से लेके जब तक आपका इंटरव्यू है, जिस दिन तक आपका इंटरव्यू शामिल करने वाले हैं, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको सारा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, वैसे तो आप थोड़ा सा खुद को, अब इतने अच्छे एग्जाम में आपने इतनी तैयारी करके, इतनी मेहनत करके आपने मेंस क्लियर किया है, अब इंटरव्यू बस थोड़ा सा टाइम है, तो ज़रूर न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट बनाओ। अगर आप चलो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, इकोनॉमिक्स का कोई एक आर्टिकल लो हर दिन का, एक या दो आर्टिकल्स, एडिटोरियल पढ़ लो या तो, या इकोनॉमिक्स का कोई आर्टिकल लो और वो पढ़ो, ठीक है? और ऐसा नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं तो ऐसे समझना कुछ नहीं है उसमें से, उसको समझो। अगर कुछ नहीं समझ आता है यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कोई टर्मिनोलॉजी आई जो नहीं समझ आई है गूगल पे सर्च कर लो, बहुत कुछ मिल जाएगा उसके बारे में, थोड़ा उससे रिलेटेड मतलब उसके आसपास की कोई चीज़ है वो पढ़ लो। इंटरव्यू में यही तो होता है ना, आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको अपने आप को ग्रूम करना है, एनहांस करना है अपनी नॉलेज को, तो वो आपको वहां से मिलेगी, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा जब आप रीडिंग करते हो, जब आप इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप ऑथर का अपना पॉइंट वो समझते हो पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके हिसाब से आपके अंदर खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा बोला है तो ऐसा हो सकता है, ये बोला है तो ये हो सकता है, और यही जो क्यूरियसिटी है और यही जो क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी है, यही आपने बढ़ानी है अपने अंदर, तो न्यूज़पेपर आपने ज़रूर शामिल करना है। और तीसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आप जो लोग हैं यूट्यूब पे जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, बी इट मी, बी इट समवन एल्स, और जितने भी लोग हैं, जितने आपको मिलते हैं इंटरव्यूज, अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत हैं, प्लेंटी ऑफ इंटरव्यूज हैं, वो ज़रूर देखो। उससे ये नहीं होता कि आप किसी और का देख के क्या करोगे, उससे ये होता है आपको इंटरव्यू के माइंडसेट का पता चलता है, आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मान लीजिए आपने 10 देखी वीडियोस, उसमें से दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्रीक्वेंटली उन्होंने पूछे होंगे, या चार पांच ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से फ्रीक्वेंटली वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से पूछा जाता है, एक एनपीए की प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जो एग्जामिनर की बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर नहीं इंटरव्यूअर की बहुत ही फेवरेट चीज़ें होती हैं, वो वहां से आपसे जरूर पूछते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसको आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, तो इसीलिए आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, और कई बार ऐसा होता है कि आप ढूंढ भी नहीं होते बट रेंडमली आपको कुछ कुछ ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं उस इंटरव्यू में जो उन बच्चों ने दिए होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना शेयर करते हैं अगर आंसर्स कि उन्होंने क्या दिए थे, तो वहां से बहुत हेल्प हो जाती है, आपको आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा हम भी तो ये चीज़ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम भी अपने तरीके से ये चीज़ बोल सकते हैं वहां पे। तो ये चीज़ आप लोगों को जरूर करनी है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखने, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। और अगली चीज़ ये कि जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए मैं थोड़ा अलग से बताना चाहूँगी कि आप लोगों को ना, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता तो होना ही चाहिए, बाकी जो आपकी प्रोफाइल है, जैसे अगर मैं अपने बारे में अभी बोलूँ तो मैं अभी डिपॉजिट सेक्शन में हूँ, तो मैं वो डिपॉजिट्स देख रही हूँ, तो
वो ओवरऑल तो आपको पता ही होना चाहिए, ऑफकोर्स बैंक में जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे वो लोन सेक्शन हो गया, चाहे वो कुछ भी सेक्शन हो गया, रिकवरी हो गया, ठीक है, और डिपॉजिट हो गया, कोई भी सेक्शन हो गया, लेकिन जिस सेक्शन में आप एक्चुअल में वर्क कर रहे हो उसके बारे में तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप सब कुछ देख लेना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके जिसमें डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उस चीज के बारे में। और तीसरी चीज ये कि जो फ्रेशर्स है ना और जो आउटसाइडर्स हैं, जो अभी काम नहीं कर रहे बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो लोग पढ़ेंगे बाहर बाहर से, यू नो, लेकिन आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लीजिए कोई एनपीए पढ़ रहा है, वो एनपीए पढ़ेगा खाली ये कि अगर पैसा नहीं आएगा ना 90 दिन तक तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, अगर किस्त नहीं आएगी तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एसएमए क्या होता है, एसएमए 01 क्या होता है, आप ये पढ़ेंगे कि आपके बैंक में कौन सी स्कीम्स चलती हैं, यू नो, जो जिन्हें हम कहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स होती हैं, जो प्रोविजनिंग क्या होती है, ठीक है, कितनी स्कीम्स हैं आपके अंदर, क्या उनमें रिटर्न्स रहते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, कितना परसेंट पे आप प्रोविजनिंग करते हैं, और कितने पुराने पुराने लोन्स पे आप 100% प्रोविजनिंग करते हैं, आपकी स्कीम्स के नाम आपको पता होने चाहिए हर एक चीज़, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, अगर आपके बैंक में तीन स्कीम्स चल रही हैं तो तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं अलग अलग, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये डेप्थ हो गई, यू नो, ये नॉलेज हो गई, वो डेफिनेशन हो गई जो मैंने आपको बताई एनपीए की, और ये इन डेप्थ आपकी नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, इस तरह के मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ आपको हर एक चीज डेप्थ में पढ़नी है, मतलब आपको समझना है उस चीज़ को, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आंसर करेंगे क्योंकि आप जॉब कर कर आ रहे हैं। तो ये हो गया उन सभी लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये सब भी पढ़ना है। और बाकी और हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, और बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी आते रहेंगे, साथ साथ मैं मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने की कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे ताकि सब लोगों की हेल्प हो जाए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। तो बस अभी के लिए इतना ही, और आगे और जितना अभी जब आप लोग ये सब कंप्लीट कर लेंगे 4-5 दिन के अंदर, तो मैं उसके बाद आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगी कि क्या क्या ज़रूरी हैं और आप किस तरह से पढ़ना, और आप अपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में किस तरह से पढ़े जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने अपना बीटेक कर रखा है तो उससे रिलेटेड किस तरह की चीज़ें पढ़नी है, या जो भी कुछ आपने कर रखा है उस सब्जेक्ट के अराउंड आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम थोड़े दिनों बाद बात करेंगे जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और ध्यान रखो अपना, और हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, टिल देन बाय बाय।